ओके हेलो ब्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। यस बैंक रॉकेट बन गया 30% की अपसाइड। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे के कारण। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पहले हम यस बैंक के आज के कारोबार से स्टार्ट करते। तो हाल फिलहाल ये 73.50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। ये ओपन हुआ था 56.10 पे, हाई लगाया था 78.70 और लो लगाया था 54.90। जो ये था, ये सब कुछ क्या है कि थोड़े जैसे ही न्यूज़ आई वैसे ही ऊपर चला गया, कुछ ऐसा नहीं है सुबह से अब जा रहा है। तो क्या न्यूज़ है, क्या है वो सब देखते। तो इससे पहले हम देख लेते थे डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी है। तो जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी हाल फिलहाल अभी तक के लिए 13.36% है जो इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी है। चलिए जानते हैं अब कि ये इसमें न्यूज़ क्या है, किसकी वजह से ये इतना अप जा चुका है। तो चलिए जानते हैं इसमें न्यूज़ क्या है। स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, ये मेरे कोई पर्सनल न्यूज़ नहीं, ये आपको सभी प्लेटफॉर्म जो न्यूज़ साइट है उस पर मिल जाएगी। सो पहले ही बता देते हैं कि ये मेरी कोई पर्सनल रिसर्च है या न्यूज़ नहीं है, ये आपको मनी कंट्रोल या दूसरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो न्यूज़ ये है कि यस बैंक को 31 अक्टूबर को क्या है कि $1.2 बिलियन का क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मिला है, जो इसमें क्या है कि यस बैंक को हेल्प करेगा, उसको आगे ले जाए, मतलब वो यस बैंक में इन्वेस्ट करेगा। बाद में ये ऑफर मिलने के बाद यस बैंक के सीईओ ने क्या है कि एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया। बाद में ये न्यूज़ में आया कि जैसे ही न्यूज़ रिलीज हुई ऐसे ही यस बैंक धड़ंग धड़ंग से ऊपर चलने लगा। तो ये न्यूज़ थी, इसकी वजह से क्या है कि उसको एक ग्लोबल इन्वेस्टर मिला है जो बहुत सारा पैसा है उसमें इन्वेस्ट करने वाला है। तो यही न्यूज़ के कारण यस बैंक इतना भाग चुका है। देखो आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ बाय कर रहे हो, आप किस लेवल पे सेल करोगे, उसको आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये सब तय होने के बाद ही आप उसमें ट्रेड करोगे। तो हम थोड़े टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कौन सा लेवल सही रहेगा वो सब। लेकिन जो भी है वो आपके ऊपर पहले डिपेंड है। देखो कोई भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हो तो उसमें रिस्क होता है, ये मान के ही चलो। चलिए अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस और देखते हैं कौन सा लेवल है जहाँ से हमें बाय करना चाहिए, कौन सा लेवल ऐसा है जहाँ पे हमें सेल करना है, कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट और इसमें आगे क्या करना चाहिए, वो सब टेक्निकल पे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस की ओर। अब हम आ चुके यस बैंक के चार्ट के ऊपर। तो ये आप चार्ट देख के ही आपको पता चल जाएगा ये क्या है कि चार्ट इधर से अप गए, बाद में जो ये नीचे आया ये लगातार नीचे ही आता जा रहा है। कोई ऐसा मेजर मूव नहीं देखने को मिला कि वहाँ से लगे कि अपसाइड दे जा रहा है। लेकिन आप इधर से देखिए, जो ये लाइन है उसके पास से देखिए, ये इधर से आपको लग रहा है कि नहीं ये अभी ऊपर जा सकता है। पहली बात, आप जहाँ पे भी बाय कर रहे हो वहाँ से आप देखो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर वही रिस्क इसमें कैलकुलेट होता है तो आप इसमें एंट्री लो, वरना ना लो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री लेनी ही लेनी है, समझ गए। तो पहले वो सब बाद में बात करते, पहले मैं इसको चार्ट को देख लूँ एक बार, बाद में आपको भी बता दूंगा। तो जो मेन है कि आपको ये चार्ट क्या है कि डाउन साइड दिख रहा है, इधर से अप साइड जा रहा है, इधर एक बड़ी कैंडल भी आ चुकी है। तो जो मेन बात है क्या है कि पहला जो इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट मेरे को क्या है कि ये दिख रहा था, जो ये है 41 के आसपास मेरे को सपोर्ट दिख रहा था। लेकिन क्या है कि इधर भी एक न्यूज़ आ गई थी, मतलब राणा कपूर ने अपना स्टेक बेच दिया, ऐसा मतलब ओपन मार्केट में बेचा है, ऐसी कोई न्यूज़ आई थी और वो बात सही भी थी। तो इसके लिए ये क्या है कि नीचे गया और 29 तक गया था। बाद में नेक्स्ट डे ये क्या है कि संभला ऊपर गया, थोड़ा बाद में नीचे गया, अभी ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। लेकिन आज के दिन इसने बहुत बड़ा मूव दे दिया, क्योंकि क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टर इसमें आ चुके हैं, तो क्या है कि एक प्रॉब्लम सोल्व होती हुई दिखेगी। चलो ये तो होगी फंडिंग की बात, लेकिन आपको रिजल्ट भी देखना है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बाद में फिर से ये नीचे आ जाएगा। तो मेरी ये राय कि जो लॉन्ग टर्म वाले वो अभी वेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 30% अब चला गया तो बाद में वो नहीं जा सकता। तो लॉन्ग टर्म वाले वेट करें, जो पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इधर बाय कर सकते हैं। लेकिन मेन बात, 100 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद वी आई थिंक ये आज या कल, मतलब आज तो 30% अपसाइड चला गया तो हो सके कल ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। तो जहाँ पे भी ये ब्रेक करके जब इसको ऊपर जाता है तो आपको देखना है कि ये इधर से मैं बाय करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, मैं स्टॉप लॉस पे ले रहा हूँ तो मेरे को क्या है कि इतना लॉस होए तो चलेगा कि नहीं, वो सब देखने के बाद आपको आगे देखना है। पहले स्टॉप लॉस के बारे में सोचो, बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचो। चलो आपने ये 78 जो हमारी 100 डेज की मूविंग एवरेज आ रही है वहाँ पे आपने एंट्री ले ली, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो आपको देखना पड़ेगा, कितना आप रिस्क ले सकते हैं वो देखना पड़ेगा। बाद में हमारा पहला टारगेट होगा 120।
जो हमारा पहला टारगेट होगा वो 120 होगा, दूसरा टारगेट होगा 200 दिन की मूविंग एवरेज जो हाल फिलहाल 143 पे आ रही है, लेकिन ये जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा ये भी क्या है कि थोड़ा ऊपर नीचे होगा, आई थिंक 140 के आसपास ही आ सकती है। तो जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो होगा 140। आप कोई भी ट्रेड लो तो आपको पहले देखना है आप कहाँ पे एंट्री ले लो, बाद में सोचना है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, बाद में सोचना है प्रॉफिट कहाँ लगाना है। देखो प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन पहले मेन बात है हमारे अकाउंट खाली ना हो जाए। सो इसीलिए आपको पहले जब भी कोई ट्रेड लो स्टॉप लॉस पहले देखो। इन सिंपल मेरा व्यू क्या है यस बैंक के ऊपर। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं मैं उसको वेट करने की सलाह दूंगा। देखो लॉन्ग टर्म वाले का क्या है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये क्या है कि मेरे को हाल फिलहाल ये रिस्क वाला लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि आपने हमें आगे भी देख रहा है कि एक न्यूज़ आती है बाद में रिजल्ट खराब हो जाने के बाद से ये नीचे आ जाता है। तो चलो फंडिंग तो क्लियर हो गया, उसकी कोई दिक्कत अभी नहीं रही है, मतलब वो तो एक इन्वेस्टर आ गया, तो लेकिन हमें रिजल्ट भी देखना है रिजल्ट क्या आने हैं, क्योंकि रिजल्ट अगर डाउन साइड आएगा तो नो डाउट ये नीचे आएगा। सो लॉन्ग टर्म वाले क्या है कि रिजल्ट का वेट कर लो, और जो स्विंग ट्रेडिंग वाले वो क्या है कि 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जब चला जाए तब बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाओ और प्रॉफिट देखो जितना ऊपर जाता है अपना स्टॉप लॉस भी ऊपर लेते जाओ जहाँ तक ये जाता है स्टॉप लॉस एक भी ऊपर लेता जाओ, जहाँ ये फिर से नीचे आता है स्टॉप लॉस हिट कर देता है वहाँ आप निकल सकते हो। आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा अगर आप अपना क्या है कि स्टॉप लॉस अप लेते जाओगे। तो ये था मेरा सिंपल व्यू ऑन यस बैंक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। सो प्लीज़ यार सपोर्ट करना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड बाय, जय हिंद।